YouTube चैनल में आपको स्वागत है। इस चैनल का हर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब में क्लिक करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर का सी ड्राइव एंड डी ड्राइव से कैसे पार्शियल रैम बनाते हैं, जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर आइकन के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है। यहाँ देखिए, मेरा सिस्टम में 3 GB इंस्टॉल्ड रैम है, जो फिजिकल रैम कहते हैं। इसके साथ थोड़ा सा पार्शियल रैम भी सी ड्राइव डी ड्राइव से क्रिएट कर लेंगे तो मेरा जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगा। तो पार्शियल रैम क्रिएट करने के लिए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में क्लिक कीजिए। इसके बाद एडवांस टैब में क्लिक करना है। एडवांस टैब में क्लिक करके परफॉर्मेंस में सेटिंग्स में क्लिक करना है। सेटिंग्स, यहाँ देखिए दोबारा एडवांस टैब मिलेगा। एडवांस यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक प्रोग्राम के लिए और दूसरा बैकग्राउंड सर्विसेज के लिए। आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पे टोटल पेजिंग साइज ऑलरेडी दिया हुआ है। ये वर्चुअल मेमोरी मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक ले लिया है। इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे और अपने हिसाब से डालेंगे। तो क्लिक ऑन चेंज, चेंज ऑप्शन। इसके बाद ऑटोमेटिकली डिसलेक्ट कीजिए और यहाँ कस्टम साइज सिलेक्ट करने से पहले सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कस्टम साइज में क्लिक करना है। यहाँ पे इनिशियल साइज दे देंगे MB में 1500। इसके बाद मैक्सिमम साइज लगभग 2 GB के आसपास रखना है, तो 2100 दे देते हैं। 2100 MB हो गया। इसके बाद सेट ऑप्शन में क्लिक करना है। सेट में क्लिक, तो सी ड्राइव में सेट हो गया। इसके बाद डी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। कस्टम साइज में क्लिक करना है। यहाँ इनिशियल साइज सेम साइज दे देंगे 1500, मैक्सिमम साइज 2 GB के आसपास, यानी कि 2100। ठीक है, सेट में क्लिक करना है। ओके 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 में क्लिक करना है। कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा एक बार। अप्लाई, ओके ओके, फाइनली कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है।